राजस्थान के कोटा में लोगों की जान बचाने, उनकी मदद करने, लोगों को जागरूक करते हुए, नए लोगों को जोड़ते हुए सेवा कार्य टीम जीवनदाता द्वारा निरंतर जारी है। सदस्य ही नहीं, टीम जीवनदाता के संस्थापक संयोजक व लायंस क्लब कोटा टेक्नो के डायरेक्टर भुवनेश गुप्ता भी लगातार सेवा कार्यों में तत्पर हैं। मंगलवार को उन्होंने 57वीं बार SDP की ओर, इससे पूर्व 103 बार रक्तदान कर कुल 161वीं बार डोनेशन कर चुके हैं। गुप्ता ने बताया कि देवली मांझी निवासी रविकांत के जबड़े का ऑपरेशन होना है। इससे में उनकी प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम आ रही थी, चिकित्सकों ने बी पॉजिटिव 2 यूनिट SDP की आवश्यकता बताई है। ऐसे में परिवार ने अपनी ओर से पूरे प्रयास कर लिए, लेकिन उन्हें SDP नहीं मिली। फिर गुप्ता को फोन किया तो वो अपने किसी परिचित के किसी निजी कार्य में अत्यंत ही व्यस्त थे, लेकिन मरीज रविकांत का भाई जुगल किशोर हार गया था और वो गुप्ता से बात करते करते रोने लगा। क्या किया तो जानकारी मिली कि रविकांत को कैंसर है और उसका ऑपरेशन MBBS में होना है। तभी सभी काम छोड़कर गुप्ता अपने साथी वर्तमान जैन, नितिन मेहता व राम मीणा MBBS पहुँचे और SDP डोनेट की। जुगल किशोर को SDP की आवश्यकता होने पर उसने पूरे प्रयास किए कि उसे कहीं से SDP मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। ऐसे में भुवनेश गुप्ता ने जब SDP डोनेट की तो उसकी जटिल प्रक्रियाओं को जब जुगल किशोर व उसके साथियों ने देखा तो SDP का महत्व जाना। उन्होंने निश्चित किया कि वो भी वक्त आने पर आगे SDP व रक्तदान करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज सेवा का अवसर मिला, बहुत खुशी हो रही है। जब MBS के बाहर बैठे किसी अनजान व्यक्ति ने मेरे नंबर पर कॉल किया और एक अवसर मुझे मिला कि आज फिर मैं दोबारा किसी व्यक्ति के लिए अपने जीवन द्रव्य का दान कर सकता हूँ। और आज 58वीं बार मेरी SDP हो रही है, जो मुझे गौरवान्वित कर रही है, मुझे प्रेरित कर रही है कि मैं इस सन्मार्ग पर लगातार चलता हुआ रहूँ और इसी तरह से लोगों की मदद करके मेरे साथी टीम जीवनदाता के मेरे वर्धमान जी जैन, नितिन जी मेहता, मनीष जी माहेश्वरी, अंकित जी पोरवाल, मनीष जी बंसल और समस्त जितने भी मेरे साथीगण हैं उनका मान मर्दन कर सकूं और उनका सिर गौरव से ऊंचा कर सकूं, ताकि सेवा के इस प्रक्रम को, इस माहौल को आगे बढ़ा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।